डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वेरियस डेटा स्ट्रक्चर्स, और इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले तीन ऑपरेशंस की, इंसर्शन, डिलीशन एंड सर्चिंग। और जितने भी पॉसिबल आपके डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे के सारे मेंशन मैंने यहाँ पे कर दिए हैं। गाइज, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या फिर आपके कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी अगर आप बात करो, या फिर आपके इंटरव्यूज में भी अगर आप बात करो, तो वहां पे भी आपको फ्रीक्वेंटली इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको सारे को अच्छे से समझना बहुत ही जरूरी है। तो गाइस, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिया तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, शेयर कर सकते हो, बिकॉज सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको अनसॉर्टेड एरे, सॉर्टेड एरे, ये सारे के सारे आपको नोट करवाने हैं। इसकी पहले फोटो क्लिक कर लेना, अपने नोट्स में इसको लिख लेना। देखो, सबसे पहले अनसॉर्टेड एरे की अगर हम बात करें, इंसर्शन, डिलीशन एंड सर्चिंग। अनसॉर्टेड एरे डेटा जो है वो कोई भी रैंडमली डेटा मेरे पास पड़ा है, अब मुझे इंसर्ट करना है, लास्ट में डेटा को इंसर्ट कर दो। अगर आपके माइंड में, कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, अगर लेट्स से मैं पहले नंबर पे इंसर्ट कर दूं तो मुझे रीअरेंज करने पड़ेंगे, शिफ्ट करने पड़ेंगे, तो भैया जब अनसॉर्टेड ही है तो उस केस में आप बेस्ट क्या करो, आप लास्ट में डेटा को क्या कर दो, इंसर्ट कर दो। मतलब ये मैंने सारी की सारी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही लिखी है। आप इसमें यह मत कहना कि सर अगर बेस्ट केस ये होगा, एवरेज केस, वो इसके अंदर ही आ जाएगा, क्योंकि वर्स्ट केस मतलब मैक्सिमम टाइम आपका मैंने ऑलरेडी यहां पे लिख दी, और मैक्सिमम आपको वर्स्ट केस ही पूछा जाता है। तो अब देखो, इंसर्ट करना है, लास्ट में इंसर्ट कर दो, साइज ऑफ एरे एक बढ़ा दो, बात खत्म, ऑर्डर ऑफ वन। डिलीट करना है, लास्ट वाला एलिमेंट जो है वो डिलीट कर दो, साइज एक कम कर दो, ऑर्डर ऑफ वन, क्योंकि आपको कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को थोड़ी ना करना है, वो तो फिर सर्चिंग के अंदर आ जाएगा ना, कि लेट्स से आपको पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना है, तो भैया फिर अनसॉर्टेड के केस में आपको लास्ट तक जाना पड़ सकता है, मतलब आपको सारों को स्कैन करना पड़ सकता है एक एक करके, तो उस केस में आप ऑर्डर ऑफ एन बोल सकते हो, क्योंकि लास्ट में हो सकता है आपको एलिमेंट मिले, तो वो आ गया एक तरह से लीनियर सर्च की तरह ऑर्डर ऑफ एन। देन सॉर्टेड एरे अगर आपके पास दिया हो, मतलब डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड है, अब उसमें डेटा को इंसर्ट करना है, तो वर्स्ट केस में हो सकता है डेटा लास्ट में जाके इंसर्ट हो, आपको एक एक करके कंपेयर करना पड़ेगा, बिकॉज डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड है, आपको एक पर्टिकुलर पोजिशन पे डालना पड़ेगा, तो उस केस में ऑर्डर ऑफ एन तक जा सकती है। डिलीट करना है, भैया आपको डिलीट अगर करना है तो आपको पर्टिकुलर पोजिशन से एलिमेंट को डिलीट करना पड़ेगा, तो ऑर्डर ऑफ एन। और अगर सर्च करना है तो वो तो बहुत इजी है, बाइनरी सर्च एल्गोरिदम लगाओ, डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड है तो बाइनरी सर्च आपको प्रोवाइड करेगा लॉग एन टाइम में डेटा को सर्च करना। एक एक एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे एन एलिमेंट्स को इंसर्ट या एन एलिमेंट को डिलीट नहीं, एक पर्टिकुलर एलिमेंट को इंसर्ट, डिलीट और अगर सर्च कर रहे हैं, तो उस केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देन स्टैक, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में सिंपली टॉप ऑफ द स्टैक में आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर लेट्स से इंसर्ट करना है तो टॉप ऑफ द स्टैक ऑलरेडी आपको दिखा रहा है, उससे डेटा को क्या कर दो, इंसर्ट कर दो, टॉप ऑफ द स्टैक एक बढ़ जाएगा। सिंपली पुश करना है, पॉप करना है, टॉप ऑफ द स्टैक से डेटा को उठाओ, पॉप करो, ऑर्डर ऑफ वन। लेकिन अगर आपको सर्च करना है तो एंटायर स्टैक यू कैन सर्च, एंटायर स्टैक को सर्च करना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ एन। क्यू सेम चीज है, इंसर्ट करना है एलिमेंट, रियर से इंसर्ट किया, डिलीट करना है फ्रंट से डिलीट किया, वन वन। लेकिन अगर सर्च करना है एंटायर क्यू यू हैव टू सर्च, ऑर्डर ऑफ एन। देन लिंक लिस्ट में दो वेरिएशन आ जाती है, अनसॉर्टेड एंड सॉर्टेड। अगर हम बात करें अनसॉर्टेड की, अगर डेटा ऑलरेडी रैंडमली पड़ा है तो आपको किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे जाना ही नहीं है, इंसर्ट करना है, पहले नंबर पे ही आप इंसर्ट कर दो, पॉइंटर आपका ऑलरेडी पहले पे है, हेड पॉइंटर आपका ऑलरेडी पहले पे है, वहां पे डेटा आप सिंपली डाल दो, ऑर्डर ऑफ वन। अगर आपको डिलीट करना है पहले एलिमेंट को डिलीट कर दो, ऑर्डर ऑफ वन। लेकिन अगर आपको सर्च करना है फिर एंटायर लिंक लिस्ट यू हैव टू सर्च, ऑर्डर ऑफ एन। सॉर्टेड वही उसकी तरह, सॉर्टेड के केस में भी आपको बिल्कुल सॉर्टेड एरे की तरह आपको एक पर्टिकुलर पोजीशन पे डालना पड़ेगा, हो सकता है आपको लास्ट पोजीशन पे डालना पड़े, तो पॉइंटर को आपको लास्ट तक लेके जाना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ एन। ऑर्डर ऑफ एन क्यों, क्योंकि हो सकता है आपको लास्ट से ही एलिमेंट को डिलीट करना पड़े, तो पॉइंटर को लास्ट तक। और सर्च के केस में भी एंटायर लिंक लिस्ट यू हैव टू सर्च, ऑर्डर ऑफ एन। देन बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी क्या होती है, एट मैक्स टू चिल्ड्रन, मतलब जीरो, वन या फिर टू चिल्ड्रन हो सकते हैं। तो फिर सिंपल वही जो आपका बनता है हमेशा, लेट्स से अगर इस तरीके से आपका बाइनरी ट्री बन रहा है तो क्या बनेगा, आपको इंसर्ट करना है, कहां पे इंसर्ट करोगे, लास्ट में जाके। तो लास्ट में जाने का मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ
हाइट के बराबर आप बोल सकते हो, जितनी हाइट होगी, या आप ऑर्डर ऑफ एन भी बोल सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि जितने एलिमेंट होंगे उतनी ही आपकी हाइट जाती जाएगी वर्स्ट केस में। सेम विद द डिलीशन, लास्ट से ही आपको डिलीट करना पड़ेगा। सेम विद द सर्चिंग, एंटायर ट्री यू हैव टू सर्च, तो ऑर्डर ऑफ एन एन एन। देन बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी सर्च ट्री वैसे तो बढ़िया था एवरेज केस और बेस्ट केस में तो बड़ी है, लेकिन वर्स्ट केस फिर वही गड़बड़ हो गया, लेफ्ट स्क्यूड बनेगा या राइट स्क्यूड बनेगा, तो उस केस में सेम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी जैसे बाइनरी ट्री की है ऑर्डर ऑफ एन एन एन। देन बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री, बैलेंस के केस में हम बात करते हैं एवीएल की, जो कि थोड़ा सा आप कह सकते हो एक तरह से बीएसटी का एडवांस वर्जन है। AVL के केस में आप क्या बोल सकते हो कि वो एडवांटेज है, उस केस में वो हमेशा कह रहे थे बैलेंस्ड रहता है, तो बैलेंस रहेगा क्योंकि उसमें बैलेंस फैक्टर होता है माइनस वन, जीरो या वन, उससे ज्यादा बैलेंस फैक्टर हो नहीं सकता, तो वो हमेशा प्रॉपर वे से फैलता है, तो उस केस में आप कह सकते हो लॉग एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बन जाएगी। गेटिंग द पॉइंट? देन हीप, हीप या फिर प्रायोरिटी क्यू की बात करो, तो अगर आपको मैक्सिमम या मिनिमम एलिमेंट को सर्च करना है तब तो ऑर्डर ऑफ वन वन बन जाएगी, लेकिन आपको यहां पे वर्स्ट केस में हीप की बात कर लो या प्रायोरिटी क्यू, क्योंकि उसको हम प्रायोरिटी क्यू से इंप्लीमेंट करते हैं, तो लॉग एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन सकती है। रीजन, आपको तो टॉप ऑफ द, जो आपका हीप का टॉप होगा, जो मैक्स हीप होगा या मिन हीप होगा, टॉप का एलिमेंट तो आप निकाल दोगे, लेकिन आपको लास्ट से एलिमेंट को लाना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा लॉग एन। सेम विद द डिलीशन, सेम विद द इंसर्शन, लेकिन वर्स्ट केस में आपका सर्च का टाइम एन। अब इसमें आपको कैसे पता लगेगा? देखो, आपके पास मैक्स हीप है, मैक्स हीप में आपको बोल दें कि मिनिमम एलिमेंट को ढूंढो। अब मैक्स हीप में टॉप में तो आपका मैक्स पड़ा है, मिन फिर कहां पे है? मिन आपका ऑब्वियसली कहां होगा? लीफ पे होगा, और लीफ में कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं? लीफ में आपके n बाई टू चिल्ड्रन तक हो सकते हैं, तो n बाई टू को हम ऑर्डर की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि अगर n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इंफिनिटी बाई टू इज व्हाट? इंफिनिटी, तो मतलब आपका ऑर्डर ऑफ n ही बन जाएगा। देन आ गया जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे पास हैशिंग, इसको नोट कर लेना, बिकॉज नेक्स्ट टॉपिक मैं हैशिंग ही स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो हैशिंग के केस में ऑर्डर ऑफ वन, ऑर्डर ऑफ वन, ऑर्डर ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम यूज करते हैं, हैश टेबल के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। ये एक तरह से आप कह सकते हो जनरल टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज मैंने लिखी हैं, अगर इनमें आप थोड़ा बहुत भी चेंज करते हो, कोई वेरिएशन लेके आते हो, तो उस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। देन बी ट्री की अगर हम बात करें, जैसे डीबीएमएस में हमने ऑलरेडी बी या बी प्लस ट्री के बारे में डिस्कस किया था, जहां पे एक नोड में हम मल्टीपल कीज को स्टोर करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी ब्रेथ वाइज ही क्या फैलता है, वो भी ब्रेथ वाइज फैलता है, तो उस केस में भी आपकी लॉग एन, लॉग एन और लॉग एन। तो आपको ओवरऑल सारे डेटा स्ट्रक्चर में सबसे बेस्ट सर्चिंग टाइम आपको कौन दे रहा है, सबसे बेस्ट सर्चिंग टाइम आपको कहां मिल रही है? हैशिंग के केस में ऑर्डर ऑफ वन। ऐसी अगर हम डिलीट के केस में करें, तो डिलीट में तो काफी ऑर्डर ऑफ वन है, या फिर इंसर्शन में भी आपको काफी ऑर्डर ऑफ वन मिल जाएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना, दैट इज ऑर्डर ऑफ वन सर्चिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हैशिंग, ठीक है ना। तो हैश टेबल के केस में ये गाइज पूरे की पूरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इनको अच्छे से याद करना है, लेकिन क्रैम नहीं करना, आपको इनकी फंक्शनैलिटीज हर एक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पता होगा, तो आप इजिली आंसर कर सकते हो। थैंक यू।